बरसात के मौसम में तरह तरह की बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है, जिसका मुख्य कारण है खाना पीना और पीने का पानी माना जाता है, जिससे बचाव के उपाय समय रहते सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को समय पर करने होते हैं। बरसात का मौसम अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है और क्षेत्र के लोगों को उल्टियां और दस्त जैसे रोग ने अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है, जिसके चलते हॉस्पिटलों में भीड़ देखने को मिल रही है। उपमंडल जयसिंहपुर के गुंगड़, झमराड़ा, भगाला, रिटवा, कैलण गाँव में भी उल्टी बाद दस्त जैसी बीमारियों से ग्रसित लगभग दर्जनों मामले सामने आए हैं, जिसकी खबर लगते ही विभाग इन गांव पर नजर बनाए हुए है और पानी के टैंकों को खाली करवाकर साफ किया जा रहा है। इन गांव के कई लोग खैरा के हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं। यहां सवाल ये उठता है कि किसी घटना या दुर्घटना होने पर विभाग जाग जाता है, लेकिन क्या इससे पहले विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह समय रहते पेयजल टैंकों को साफ करवाए, या फिर केवल कागजों में ही टैंकों की सफाई विभाग द्वारा करवाई जाती है। अब इस बारे में जानकारी विधायक रवि धीमान को हुई तो उन्होंने वहां पर जाकर जायजा लिया। आपका नाम जी? राजकुमार। आप कहां से? रीट से। ये पानी की समस्या क्या है? पानी बहुत गंदा आ रहा है, इससे सभी लोग बीमार हो गए। पहले भी 15 दिन पहले भी गंदा पानी आया था, अब तो बहुत ज्यादा आ रहा है। एक हफ्ता हो गया सारा पूरा गांव सब बीमार पड़ गया है। बस यही समस्या है पानी की, गंदा पानी आ रहा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? मेरा नाम एम आर अवस्थी, गांव रेट। ये क्या कारण है सर बीमार पानी? ये गंदा पानी आ रहा है, पहले कंप्लेंट की थी, SDO ने बोला था चमड़ी का पानी देंगे तो उन आदमी को सस्पेंड किया जाएगा। अपन आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और दस्त और उल्टियां लोगों को लगी हैं, पेट खराब है और प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है और वहाँ 2,000-1,500 रुपया लोग दे रहे हैं। क्या सरकारी अस्पताल में उपचार मिल रहा है? हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, वो कुछ नहीं कर रहा है। और यहाँ सब डिवीजन जिसम पर है, सब डिवीजन हॉस्पिटल भी कोई नहीं है। कोई 6 आदमियों की वैकेंसी है डॉक्टरों की, एक डॉक्टर है, उसने केले ने क्या करना है? तो ये देखो केला आदमी क्या कर सकता है। तो इसके बारे में विधायक को भी सोचना चाहिए, डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए। पहले न्यूजें दी हैं 1 महीना पहले, ना चमरी है ना कोई है, फिल्टर पानी होता नहीं है, बस तानाशाही कर रहे हैं IPH विभाग और डिपार्टमेंट वाले। तो इसकी मतलब जिम्मेवारी SDM साहब की बनती है, सभी डिपार्टमेंटों की बनती है, स्वास्थ्य विभाग की बनती है, हेल्थ डिपार्टमेंट की बनती है। अभी गांव में क्या हो रहा है तो क्या? लोग इस चीज़ को नहीं सोच रहे। यहां पे प्रशासन ने दौरा किया क्या? दौरा कल डॉक्टर आए थे, ऐसे रास्ते में दवाई दी सड़क में, बस चले गए। एक किस्म की दवाई दे रहे थे, कभी कोई दवाई नहीं दी, मतलब 1-2 गोलियां दे रहे थे बस जा रहे। वो भी रोड में दी है, घरों में नहीं गए, कोई घरों में नहीं सब्जेक्शन हुआ। अगर ये आपका हल नहीं होता है इस समस्या का तो आप क्या कार्रवाई करते हैं? तो हम जो है गांव वाले धरना देंगे, यहाँ बैठेंगे धरना देंगे, अगली कार्रवाई फिर उसके आगे देखेंगे क्या करते हैं डिपार्टमेंट, क्या एक्शन लेता है इसके ऊपर। आपका नाम? मेरा नाम शीतल है। कहाँ से? गुंगड़ से। ये पानी कहाँ से ले आ रहे हैं? हम बोरी से पानी लेकर आ रहे हैं। क्या नलकों में पानी आता है? हाँ, पानी तो आता है, लेकिन वो दूषित पानी है। और कितने दिनों से दूषित आ रहा है पानी? 3-4 दिन से। क्या आपने कभी जैसे विभाग को बताया? हाँ, पर पता नहीं उन्हें पता होगा, लेकिन ये हमने टैंक भी मंगवाया था पानी के लिए, वो भी गंदा सा ही था पानी ऐसे। आपका नाम? ज्योति। कहाँ से? गुंगड़। क्या आप भी बीमार पड़े थे? हाँ जी। क्या कारण रहा? बस वॉमिटिंग, लूज मोशन और फीवर। मतलब क्या पानी गंदा आ रहा है? हाँ जी। कितने दिनों से? 3-4 दिन से। कितने लोग बीमार पड़े हैं? गांव के सभी, मतलब हर घर में 4-4, 5-5 सदस्य बीमार हैं। तो अभी पानी कहाँ से ले जा रहे हैं आप? हम बोड़ी से पानी लेकर आ रहे हैं, 1.5 किलोमीटर दूर चलकर। क्या सभी गांव में दूषित आ रहा है पानी? हाँ जी। तो जैसे जानवरों को कैसे पिलाते हैं पानी, वो बीमार नहीं हो रहे? हाँ जी, तो हम उन्हें छोड़ देते हैं, नीचे छोड़ देते हैं। आपका नाम जी? आप कहाँ से? हिमाचल एक्सप्रेस के लिए भवारना से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।